तो बॉइलिंग पॉइंट समझो, कोई भी चीज़ बॉयल क्यों होता है ये पहले समझो। जैसे ये पानी है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल प्रेशर पे, जब प्रेशर 1 ATM का होगा, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब मान लो हम सतह वाले हिस्से पे रह रहे हैं, यहाँ पे पानी को बॉयल होने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और कोई चीज़ बॉयल इसलिए होता है, जैसे हम यहाँ से नीचे से आग दे रहे हैं, मतलब नीचे से हीट दिए इसको, तो क्या होगा? पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो इसमें से निकलेगा वेपर, वेपर निकलेगा, ठीक है। और इसी पानी के ऊपर ऊपर से लग रहा होगा एक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा इधर से, ये वेपर प्रेशर होगा। अरे वेपर भी कोई प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है ना, तभी तो बिजली पैदा होता है वेपर की मदद से, कोई धक्का तो देता है ना वेपर। तो वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब इसका वैल्यू देखो, वेपर पहले ही उठने लग जाता है, जैसे पानी गर्म होगा वेपर निकलने लग गया। वेपर निकलने के लिए पानी का बॉयल होना जरूरी नहीं है, बॉयल होने से पहले, बॉयल होने टाइम तुमको बुलबुला टाइप का दिखाई देगा, लेकिन बॉयल होने से पहले ही वेपर निकलने लगता है ना, ऐसे समझ में मेरा बात। तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ध्यान से समझो, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी पानी बॉयल होगा, ठीक है। पानी को बॉयल होने के लिए ये जो हम टेम्परेचर याद करते हैं, ये नॉर्मल वाटर बॉयलिंग टेम्परेचर है, ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज होते रहेगा। 100 डिग्री है ना, चेंज होते रहेगा। हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं नॉर्मल, अगर मान लो सी लेवल पे, तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ हम बोलें लद्दाख में जाके पानी को गर्म करो, बॉयल करो, तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल नहीं होता, इससे कमी पे बॉयल हो जाएगा। अब ये कैसा, क्या बात कर रहे हैं? तो इसके लिए एक बेसिक सा बात समझो कि कोई भी पानी, कोई भी लिक्विड बॉयल तब होगा, जैसे यहाँ वाटर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो वाटर का ही बात करते हैं। पानी बॉयल तब होगा जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबरी कर ले, ठीक है। ऊपर से अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM का लग रहा है, 1 ATM, ठीक है, 1 ATM। और नीचे से वेपर प्रेशर, जब दोनों, ये 1 ATM, ये 1 ATM दोनों बराबर हो जाएगा, तब जाके पानी बॉयल होना शुरू होता है, ठीक है, बॉयल होना शुरू होता है, आया समझ में? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पढ़ा है उसमें एक बात समझ में आ गया होगा तुमको। ये मान लो पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ का सतही वाला हिस्सा है, सतह वाला मतलब सी लेवल है पहाड़ का, नीचे जो जिस लेवल पे हम लोग रह रहे हैं, मान लो ये सी लेवल है, ठीक है। हम यहाँ रह रहे हैं, तो अभी हमारे ऊपर ये मान लो एटमॉस्फेयर है, हमारे ऊपर ये पूरा एटमॉस्फेयर का हवा जो है ये प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इस चोटी पे पहुँचे, इस चोटी का हाइट थोड़ा कम है, ठीक है, तो हमारे ऊपर थोड़ा इससे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे गए तो थोड़ा और कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे गए तो सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मतलब हाइट जैसे जैसे बढ़ते गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे ऐसे घटते चला गया। ये बात क्लियर हुआ? हाइट अगर बढ़ेगा तो प्रेशर जो होगा ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ? हाइट अगर बढ़ेगा प्रेशर कमेगा, है ना, आया समझ में? अगर हम पानी के जितना अंदर जाएंगे, पानी के जितना अंदर जाएंगे मतलब गहराई बढ़ रहा है, तब ऊपर में पानी का लेयर बढ़ रहा है ना, पानी हमारे ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय हमारे ऊपर पानी का ज़्यादा प्रेशर रहेगा। क्लियर है? एक बात तो क्लियर हुआ कि हाइट अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एक ये बात क्लियर हुआ कि पानी बॉयल कब होगा, तो नॉर्मल सोच हटा दो कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, ठीक है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब सी लेवल पे अगर पानी को गर्म करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है, ठीक है। उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह 1 ATM का होता है, क्लियर है। उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM का होता है, तब जाके 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है, क्लियर। लेकिन यदि यदि हम इसी पानी को लद्दाख में जाके बॉयल करें, ठीक है, लद्दाख में जाके बॉयल करें, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कमेगा, थोड़ा सा कमेगा, है ना। तब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी कमना चाहिए, ये भी कमना चाहिए, है ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम गया
तो इसका बराबरी करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, है ना, मतलब थोड़ा सा ही हीट में पानी वेपर निकालने लगेगा अपने आप से, है ना, थोड़ा सा ही हीट में पानी वेपर निकलने लगेगा पानी से, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट घट करके 85 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, एक माने बोल रहे हैं, ठीक है, कि पानी अब 85 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने लग गया, है ना, 85 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉयल होने लग गया, क्लियर हुआ। तो बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर जरूरी है या प्रेशर जरूरी है, प्रेशर जरूरी है, प्रेशर जरूरी है, इसीलिए प्रेशर कुकर का आविष्कार किया गया, ठीक है, इसीलिए खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है ना, इसीलिए प्रेशर कुकर का आविष्कार किया गया ताकि खाना जल्दी बन जाए, चाहे तुम यहाँ बनाओ, चाहे तुम पहाड़ पे जाके बनाओ, चाहे कहीं कहीं बनाओ, ठीक है, खाना जल्दी बन जाए। अब क्या होता है देखो, तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी पानी बॉयल होता है, क्लियर। लेकिन खाना जो बनाते हैं, जो हम लोग खाना बनाते हैं, क्या उसके लिए पानी का बॉयल होना ज़रूरी है, खाना पकने के लिए सिर्फ पानी का बॉयल होना ज़रूरी है, या फिर खाना को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर तापमान चाहिए पकने के लिए, जैसे चावल है ना, अगर पानी तुम्हारा मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग गया, मान लो उसमें चावल डालेंगे, चावल पक जाएगा, संभव है, बताओ चावल पकेगा, चावल पकेगा कि नहीं पकेगा, सोचो बताओ, नहीं पकेगा, ठीक है, चावल नहीं पकेगा, क्यों, क्योंकि चावल को पकने के लिए, ठीक है, चावल को पकने के लिए हमको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, चावल प्रेशर पे, ये इतना कम टेम्परेचर पे तो कभी नहीं पकेगा, ठीक है, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उस पर वहाँ पर ये फैक्टर काम नहीं करता, ठीक है, कि पानी कितना पे बॉयल हो रहा है, पानी कितना पे बॉयल नहीं हो रहा है, ठीक है, आया बात समझ में। तो चावल पकने के लिए हमको एक टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए क्या होता है कि पहाड़ी इलाके में पानी 85 डिग्री पे अगर बॉयल हो रहा है, मान लो हम ये ग्लास लिए, मतलब ये एक बर्तन लिए, इसमें इतना पानी था, ठीक है, इतना पानी था जितना हम यहाँ लेके खाना बना लेते हैं, ठीक है, इसमें हम डाल दिए चावल, चावल का दाना डाल दिए, अब पानी वहाँ पे 85 डिग्री पे ही बॉयल होने लग गया, लेकिन हमारा खाना जो हम यहाँ बनाते हैं चावल, वो लगभग 110 डिग्री या 100 डिग्री पे खाना, मतलब चावल बनने लगता है, ठीक है, मतलब चावल सीझने लगता है, तो 100 डिग्री पे मान लो चावल हमारा बनने लगता है, तो यहाँ तो 85 डिग्री पे ही पानी बॉयल होने लग गया। पानी का बॉइलिंग का मतलब क्या बताए थे, वह पॉइंट जहाँ पे लिक्विड का आखिरी स्टेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट का लास्ट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद लिक्विड लिक्विड नहीं रह जाता, वो बन जाता है क्या, गैस, वेपर, है ना, उसके बाद लिक्विड लिक्विड नहीं रह जाता, वो बन जाता है वेपर, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पॉइंट का लास्ट स्टेट है, इसके बाद लिक्विड स्टेट खत्म हो जाता है, इसके बाद हो जाता है वेपर स्टेट, क्लियर है। अब चाहे वह बॉइलिंग 85 पे हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 30 पे हो, उसके बाद वो वेपर बनेगा ही बनेगा, क्लियर है। तो अगर 85 पे ही पानी बॉयल होने लग गया तो ये सारा का सारा पानी क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, 85 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज हो जाएगा। तो अंदर जो चावल रखा हुआ है, इसको सफिशियंट टेम्परेचर मिला पकने के लिए, नहीं मिला, पानी तो जल्दी ही बॉयल हो गया 85 डिग्री पे, सफिशियंट टेम्परेचर तो नहीं मिला, तो खाना यहाँ पे जल्दी कैसे पकेगा पहाड़ पे, फिर खाना को पकने में टाइम लगेगा ना, और पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मान लो इतना सा पानी में हम चावल बना लेते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा पानी देना पड़ेगा ताकि वेपराइजेशन, क्योंकि वहाँ जल्दी हो रहा है ना, वेपराइजेशन वहाँ जल्दी हो रहा है, तो थोड़ा लेट तक हम टेम्परेचर देते रहेंगे और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। बॉइलिंग तो स्टार्ट हो जाएगा 85 पे, लेकिन हम लगातार टेम्परेचर देते जाएंगे तो ये 85 से 90, 100, 110 भी होगा, तब हमारा चावल बनना स्टार्ट होगा, है ना। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वाटर का क्वांटिटी भी ज़्यादा लगेगा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देख, प्रेशर कुकर जो होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि ऊपर जो होता है वो पूरी तरीके से बंद होता है ढक्कन, ठीक है, पूरा एयर टाइट, उसमें ना अंदर का बाहर आ सकता है ना बाहर का अंदर जा सकता है, पूरा एयर टाइट, और नीचे भी पूरा बंद, ठीक है। तो ऊपर में सिर्फ एक सीटी होता है ताकि फटे ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब इसके अंदर पानी है, प्रेशर कुकर में कम ही पानी में चावल बन जाता है, देखा है कभी कोई बनाया है,
कमी पानी में चावल बन जाएगा, कम पानी में दाल बन जाएगा, है ना, दाल तुरंत खाने लायक हो जाएगा, सिज जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से, अब जब यहाँ से वेपर निकल रहा है, लेकिन ऊपर से क्या है, बंद है पूरी तरीके से, मतलब ऊपर से प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, ऊपर से प्रेशर हाई हो गया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। ये वेपर को ये रोक रहा है। अब किसी चीज़ को, तुम किसी गैस को रोकेगा तो वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। ये वेपर यहाँ पे रुक जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये वेपर अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो ये टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, है ना, फास्ट बढ़ जाएगा, मतलब तुरंत ये 100, 110, 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी, है ना, जितना खुले बर्तन में नहीं हो पाता है। तो तुरंत 110, 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा तो हमारा खाना तुरंत बन जाएगा। और मान लो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो अगर हम सीटी ना रहे, कुकर का सीटी मान लो ब्लॉक कर दें, तो इतना प्रेशर बढ़ेगा, इतना प्रेशर बढ़ेगा, चाहे वो कुकर लोहा का हो, चाहे वो कुकर अल्मीनियम, किसी भी धातु का हो, किसी भी मेटल का हो, फट जाएगा कुकर। कुकर फटने का घटना सुना है ना, कुकर फटता है, क्यों? क्योंकि अगर उसका सीटी अगर ब्लॉक हो गया, एयर उसमें से अगर वेपर नहीं निकल पा रहा है तो वो फटेगा। मतलब यहाँ पे एक सेटिंग होता है, सीटी जो होता है ना, सीटी के अंदर देखना, यहाँ पे एक नॉब लगा होता है, वो नॉब तभी खुलेगा जब अंदर का प्रेशर जो है एक फिक्स टेम्परेचर पे चल जाएगा, है ना। जब भाप बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा अंदर, बहुत हाई प्रेशर लगाएगा, तब ये नॉब खुलता है और यहाँ से सीटी उठता है और यहाँ से सारा का सारा वेपर बाहर निकलता है, तो हमको पता चल जाता है, ओ कुकर एक सीटी दिया, दो सीटी दिया, तो मतलब मेरा चावल बन गया होगा। मतलब कुकर में प्रेशर ज़्यादा है ना, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है ना, अंदर में एयर है क्या? कुछ नहीं है, एयर टाइट है, पूरा एयर टाइट है। पानी क्यों बनेगा? पानी तो तब बनता जब यहाँ पे आसपास में एयर होता, वो ठंडा हो पाता। कोई वेपर वापस वाटर क्यों बनता है? जब वो कंडेंस होता है, कंडेंसेशन होता है, उसका ठंडा होता है ना। खुले हवा में वेपर निकला तब वो ठंडा हुआ, तब ना वो जाके वापस वाटर स्टेट में आया। अब कुकर के अंदर प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो वो वेपर वाटर कैसे बनेगा? वो वेपर तो वेपर हो जाएगा, उसको फिर स्टीम कहेंगे, सुपर हीटेड स्टीम। वो स्टीम निकलता है हमारा सिटी से बाहर की ओर, जो दिखाई देता है, ठीक है, आया समझ में? तो कुकर का आविष्कार इसीलिए किया गया ताकि तुम दुनिया में कहीं पे रहो, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में रहो, लो एल्टीट्यूड वाले एरिया में रहो, कहीं पे रहो, है ना, तुम्हारा खाना एक फिक्स टाइम में एक फिक्स टेम्परेचर पे बन जाए। ऐसा नहीं है कि हमको लगातार आग जलाना पड़ गया 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, तब जाके मेरा खाना बन रहा है ना। हिल्स वगैरह में अगर खुले बर्तन में खाना बनाए तो हो सकता है यहाँ के मुकाबले हमको और आधा घंटा ज़्यादा लगे, 1.5 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा लगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा मदद कौन करता है? कुकर करता है। ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, मतलब इसको यहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, लेकिन ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे खाना बनने में आसानी होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि क्यों